सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन एश एंड पिकाचू दी लास्ट एपिसोड स्टोरी सीरीज के एपिसोड 1 और 2 की फुल समरी हमें जानने को मिल चुकी है और इन दोनों एपिसोड के टाइटल भी हमें जानने को मिल चुके हैं और एश एंड पिकाचू दी लास्ट एपिसोड स्टोरी सीरीज के यानी कि हमें और भी काफ़ी अपडेट जानने को मिल चुकी है जो तुम लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर ही जानने को मिलने वाली है। तो गाइस, आज की इस ऑसम वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और गाइस, अगर तुम लोग ये सारी अपडेट जानना चाहते हो आज की इस वीडियो को लास्ट से देख देंगे, साथ साथ आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप तो गाइस बिल्कुल भी मत करना। आल्सो गाइस, कर देते हैं आज की ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि तुम लोगों को पता ही है एश एंड पिकाचू दी लास्ट चैप्टर स्टोरी इस नाम से एक सीरीज आने वाली है। ये सीरीज हमें 13 जनवरी को इसका एपिसोड 1 देखने को मिलने वाला है और इसके एपिसोड 1 की हमें समरी भी जानने को मिल चुकी है। अगर गाइस बात कर लेते इसके एपिसोड 1 की फुल समरी के बारे में गाइस, अगर बात कर लेते हैं इस एपिसोड में हमें देखने मिलेगा कि ऐश को यानी कि एक घायल लाटियास देखने को मिलेगा। ऐश उस लाटियास को यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, उसकी यानी कि पट्टी भी करेगा, उसके जो हाथ होंगे उन पर पट्टी करेगा जहां पर उसको चोट लगी होगी। और ऐश उसी लाटियास को हो भी सकता है कि उसी एपिसोड के अंदर अंदर उस लाटियास को कैच भी कर सकता है। कैच करने के साथ साथ हो सकता ऐश उस लाटियास को हो सकता है रिलीज भी ना करे और ऐश उस लाटिया को ठीक करने के बाद उस लाटियास के यानी कि काफी देर के लिए उस लाटियास के ऊपर सवारी भी करेगा। एंड ये होने वाली है पोकेमोन एश एंड पिकाचू दी लास्ट एपिसोड सीरीज की फुल स्टोरी होने वाली है। एपिसोड 1 में हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलने वाला है और इस एपिसोड का यानी कि टाइटल होने वाला है एम टू बी पोकेमोन मास्टर एश, यानी कि इसी एपिसोड से अपनी पोकेमोन मास्टर बनने तक की जर्नी स्टार्ट करेगा और यानी कि इसी सीरीज के अंदर अंदर एश पोकेमोन मास्टर भी बन जाएगा। और गाइस, ये जो सीरीज होने वाली है ये यानी कि पोकेमोन मास्टर तक बनने तक की एश की यानी कि पूरी की पूरी स्टोरी हमें इसी सीरीज के अंदर जानने को मिलने वाली है और एश लाडियास को भी कैच करने वाला है। अगर गाइस एश लाडियास को भी कैच कर लेता है तो यानी कि एश एंड पिकाचू दी लास्ट चैप्टर स्टोरी सीरीज में और भी काफी ज्यादा लेजेंडरी पोकेमोन को भी कैच करेगा, इसके भी चांस बढ़ जाएंगे। अगर ऐश लाडियास को कैच करता है तभी इसके चांस बढ़ेंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है ऐश लाडियास को ठीक करने के बाद रिलीज भी कर सकता है। एंड इसकी हमें यानी कि समरी में कुछ ऐसा जानने को मिला है ऐश लाडियास को यानी कि लाडियास ऐश के पास नहीं आएगा और ऐश को खुद को हाथ नहीं लगाने देगा और इसी वजह से ऐश लाडियास को एक पोकेबॉल के अंदर पकड़ेगा और फिर ऐश लाडियास को पकड़ने के बाद लाडियास की चोट को ठीक करेगा। एंड गाइस, उसके बाद हमें पता नहीं, हो सकता है कि ऐश रिलीज भी कर सकता है कर दे या ऐसा भी हो सकता है ना भी रिलीज करे, कुछ भी हो सकता है। अब गाइस, अगर बात कर लेते हैं ऐश एंड पिकाचू दी लास्ट चैप्टर सीरीज की और भी अपडेट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसके एपिसोड 2 की समरी और डिटेल के बारे में। यानी कि ऐश एंड पिकाचू दी लास्ट चैप्टर ये जो सीरीज होने वाली है इसके अंदर अंदर ऐश एंड पिकाचू यानी कि ऐश पोकेमोन मास्टर बन जाएगा और उसके बाद से ऐश पोकेमोन मास्टर बनने के बाद से यानी कि हो सकता है ऐसी वेडिंग भी हो सकती है ऐसी सीरीज के अंदर अंदर। एंड ऐसा भी हो सकता है इसकी सीरीज के अंदर अंदर ऐश ना भी पोकेमोन मास्टर बने, कुछ भी हो सकता है। एंड ऐसा हो सकता है ऐश अपने फादर के साथ बैटल भी कर सकता है या अपने फादर के साथ मिल भी सकता है इसी सीरीज के अंदर अंदर, क्योंकि ये सीरीज यानी कि गाइस सबसे बेस्ट पोकेमोन की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज में से एक सीरीज होने वाली है। तो गाइस कुछ भी अभी यानी कि एक्सपेक्ट करना है सीरीज के लिए तो ये यानी कि इन्हें अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड ये सीरीज में यानी कि गाइस हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है, यानी कि हो सकता है पिकाचू भी यानी कि हो सकता है कि इस सीरीज से चला जाए, ऐश भी इस सीरीज से चला जाए और यानी कि कुछ भी हो सकता है सीरीज के अंदर। ऐश हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमोन को जैसे कि लूगिया भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है एंड लूगिया के जैसी और भी काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमोन को ऐश कैच भी कर सकता है। एंड ये सीरीज में ऐश किसी भी यानी कि हो सकता है एरियस या किसी और पोकेमोन को भी कैच कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े लेजेंडरी पोकेमोन को कैच कर हो सकता है कि ऐश पोकेमोन मास्टर बन सकता है। एंड ये सीरीज यानी कि ऐश के पोकेमोन मास्टर बनने तक की पूरी स्टोरी पर बेस्ड एक सीरीज होने वाली है और इस सीरीज में हमें काफ़ी कुछ अच्छा भी हो सकता है। और गाइस, सब बात कर लेते हैं ऐश एंड पिकाचू दी लास्ट चैप्टर सीरीज के एपिसोड 2 की फुल समरी के बारे में। अगर बात कर लेते हैं इस सीरीज
सीरीज के एपिसोड 2 में गाइस हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। एश ब्रोक एंड मिस्टी के साथ मिलेगा इस एपिसोड 2 में और इन दोनों के साथ अपना पोकेमोन मास्टर बनने तक का सफर स्टार्ट रहेगा और इन दोनों के साथ वो पोकेमोन मास्टर बनेगा। और इसके एपिसोड 2 में हमें मिस्टी, ब्रोक यानी कि एश के ओल्ड फ्रेंड भी देखने को मिल सकते हैं एंड एश की मोम भी देखने को मिल सकते हैं ये इसके एपिसोड 2 में। और इसका एपिसोड 2 भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एपिसोड होने वाला है और ये भी इस सीरीज का यानी कि मेन एपिसोड होगा, यानी कि इस सीरीज के जो मेन एपिसोड होने वाले हैं ये यानी कि एपिसोड 1 और 2 इसी सीरीज के मेन एपिसोड होने वाले हैं। और उसके साथ साथ इस एपिसोड में एश मिस्टी के साथ भी मिलेगा और इन दोनों के साथ अपना पोकेमोन मास्टर बनने तक का सारा सफर स्टार्ट रखेगा। उसके बाद से जैसे कि एश ने अपनी सारी की जो स्टोरी स्टार्ट की थी सीजन 1 में भी एश ब्रोकर मिस्टी के साथ ही उसने अपनी पोकेमोन मास्टर बनने की यानी कि पूरी स्टोरी स्टार्ट की थी और इन दोनों के साथ ही वो अपनी स्टोरी एंड करेगा, पोकेमोन मास्टर बनेगा। और हमें कुछ ऐसा भी लग रहा है यानी कि सोर्सेस की तरफ से ये अपडेट आ रही है, यानी कि ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये अपडेट सोर्सेस की तरफ से आ रही है। ऐश यानी कि हमें ऐसा भी कहा जा रहा है, ये गज मैं नहीं कह रहा, ये सोर्सेस कह रहे हैं कि ऐश यानी कि हो सकता है मिस्टी के साथ वेडिंग भी कर सकता है, यानी कि मिस्टी के साथ ऐश शादी कर सकता है और यानी कि ऐश के जो सन होगा या ऐश की कोई डॉक्टर होगी वो यानी कि नेक्स्ट सीरीज को रन रखेगी और यानी कि ऐश के साथ वेडिंग कर सकता है। इसके भी चांस लग रहे हैं लेकिन गाइस ये बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है, ये यानी कि अनऑफिशियल अपडेट तुम लोग समझ सकते हो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी कम चांस लगते हैं ऐश मिस्टी के साथ वेडिंग करेगा, क्योंकि जहाँ तक सोर्सेज का ये भी कहना है ऐश यानी कि सरीना के साथ भी मिल सकता है ऐसी सीरीज के अंदर अंदर और सरीना के साथ मिलने के बाद से वो सरीना के साथ वेडिंग भी कर सकता है। और भी गाइस काफ़ी कुछ कहना है सोर्सेज का लेकिन मुझे तो जहाँ तक चांस है कि ऐश यानी कि हो सकता है वेडिंग नहीं करेगा, ये पोकेमोन मास्टर बन जाएगा। मास्टर बनने के बाद से यानी कि ऐश का यानी कि जो नेक्स्ट ड्रीम होगा, इसका ड्रीम होगा कि ये ऐसे कि ऐश का सपना था पोकेमोन मास्टर बनना, ये वैसे ही यानी कि जो पोकेमोन के मास्टर बनने का जिन बच्चों का सपना होगा ऐश उन्हीं बच्चों का साथ देगा और उनका पोकेमोन मास्टर बनने का सपना पूरा करेगा एंड ऐसे ही होने वाला है। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ऐश यानी कि ऐसे भी अपनी स्टोरी को रन करनेगा और यानी कि पोकेमोन जनरेशन 9 तक ऐश काफ़ी ज़्यादा बड़ा यानी कि पोकेमोन मास्टर बन चुका होगा और यानी कि जिन बच्चों का पोकेमोन मास्टर बनने का सपना है ऐश उन बच्चों का पोकेमोन मास्टर बनने का सपना सच कर रहा होगा और ऐश खुद भी पोकेमोन मास्टर बन चुका होगा एंड गाइस ऐसे भी यानी कि पोकेमोन जनरेशन 9 की जो स्टोरी है बेस हो सकती है ऐश की वेडिंग के बिना भी यानी कि जनरेशन 9 चल सकती है। और यानी कि जैसे मैंने तुम लोग स्टोरी की बेसिक बताई इसी स्टोरी के साथ ये अगर चलती है तो हमें ऐश भी प्रॉपर देखने को मिलेगा पोकेमोन में और पोकेमोन की TRP भी कम नहीं होगी और पोकेमोन को काफ़ी ज़्यादा लोग देखेंगे तो ये भी यानी कि बेस्ट स्टोरी लाइन हो सकती है जो मैंने तुम लोग बताई है कि ऐश पोकेमोन मास्टर बनने के बाद जिन बच्चों का सपना है पोकेमोन मास्टर बनने का उन बच्चों का सपना सच करेगा एंड ऐसे अगर पोकेमोन की स्टोरी रन होती है तो यानी कि ये पोकेमोन की अब तक की सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन होने वाली है, क्योंकि गाइस अगर ऐसी स्टोरी रन होगी तो हमें ऐश भी प्रॉपर देखने मिलेगा पोकेमोन में, पिकाचू भी प्रॉपर देखने को मिलेगा और यानी कि पोकेमोन की स्टोरी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा और पोकेमोन को काफ़ी ज़्यादा TRP मिलेगी अगर ऐसे ये स्टोरी चलती है। एंड गाइस अभी के लिए पोकेमोन के बारे में, पोकेमोन की स्टोरी के बारे में कुछ भी कहना यानी कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि पोकेमोन वाले कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यानी कि ऐश की स्टोरी को वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं और अनकंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं ऐश एंड पिकाचू के साथ। एंड गाइस अभी के लिए जितनी भी अपडेट आई थी मैंने तुम लोगों को सारी की सारी अपडेट दे दी जो तुम लोग जानना चाहते थे, सब कुछ मैंने बता दिया आज की इस वीडियो में। और गाइस अगर तुम लोग ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं तुम लोग मिलूंगा ऐसी और मौसम सी वीडियो में।